हेलो एवरीवन, नाउ स्टार्ट यूनिट नंबर 2, द इंसुलेटिंग मटेरियल्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। द सिलेबस फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल, द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, द क्लासिफिकेशंस, सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पेपर, प्रेस बोर्ड, फाइबरस मटेरियल, सिरेमिक्स, माइका, एस्बेटॉस, रेजिन्स, एमरफस मटेरियल, पॉलीमर्स, सिरेमिक्स, इनेमल्स एक्सेट्रा, दिस द ऑल सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। देन लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज ट्रांसफॉर्मर ऑयल, दिस अ वर्निश, एस्करल, सिंथेटिक्स, दिस ऑल लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल। एंड गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एयर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, रोटेटिंग मशीन्स, कैपेसिटर्स, केबल, लाइन इंसुलेटर एंड स्विच गियर। दिस द सिलेबस फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। देन इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग materials can be classified into various types depending on their capacity to allow or oppose the flow of current. Insulating materials are those which offers very high resistance to the flow of electric current through them when subjected to electrical potential. These materials play very important role in satisfactory operation of electrical or electronics equipment in which all current carrying wires or conductors at different potentials are surrounded by an insulating material. A good insulating material should have high insulation resistance. What? A good insulation. Listen carefully, good insulation material should have high insulation resistance, high mechanical strength and less dissipation factor. And good dielectric strength and high thermal conductivity. The three factors affecting in good electrical engineering or good insulating materials. First is high insulation chahiye uska, aur uska high mechanical strength chahiye, aur uska dissipation factor jo rehta hai wo sabse kam chahiye, aur uski strength good hona chahiye, और उसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है जो वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। बिसाइड दिस प्रॉपर्टीज इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, इजी फैब्रिकेट एंड चीपर इन कॉस्ट, उसका कॉस्ट भी डिपेंड रहता है, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। और दिस इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट इज सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल, लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल और गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल। सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल इज लाइक पेपर, रबर, क्लॉथ, वुड एक्सेट्रा, विच आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर माइका, ग्लास, सिरेमिक्स एक्सेट्रा। लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉमनली यूज आर मिनरल ऑयल, सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉट ओनली यूज फॉर इंसुलेशन पर्पज बट ऑल्सो यूज फॉर कूलिंग पर्पज इन द ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो यूज इन कूलिंग पर्पज। नेक्स्ट इज अ गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल एयर, नाइट्रोजन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इज ऑल गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल्स। देन इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, द प्लास्टिक,
नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, गैसेस मटेरियल्स, इज इंसुलेटर्स. व्हाट इज मीन बाय इंसुलेटर? इंसुलेशन और इंसुलेटर. इंसुलेटर दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास इजीली आर कॉल्ड एज इंसुलेटर. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, माइका, ड्रायर, बैकेलाइट एक्सेट्रा. दिस द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स. इंसुलेटिंग मटेरियल जनरल प्रॉपर्टीज. नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन सिलेक्शन ऑफ राइट इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर प्रॉपर यूज. दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल. The properties of good insulating materials can be classified as, there are four types of insulating materials. First is electrical properties, thermal property, chemical property, and fourth one is mechanical property. The one by one, the electrical property. Electrical property kya hota hai? It should have high insulation resistance so that leakage current is less. In electrical properties, it should have high insulation resistance so that leakage current is less. In case of cable, insulation resistance decreases with increase in temperature and moisture. Listen carefully. It should have high insulation resistance so that leakage current is less. In case of the cable, insulation resistance decreases with increase in temperature and moisture. Further, insulation resistance is inversely proportional to the length of cable. It should have low dielectric loss, is the electrical property. It should have high value of electric strength. It should have low permittivity. It should have low power factor. It is measure of power loss, or it increase with rise in temperature, or power factor and dielectric constant at low frequency can be used. Compare insulating materials and determine the effect of environment and operating conditions. This is the electrical property. Second one is thermal property. Thermal property kya hota hai? Dekhiye, thermal property is, it should have high thermal conductivity. Usme kya hota hai? High thermal conductivity. Next, it should without high temperature when subjected to high temperature for short and continuous time. Then it should be non-inflammable. Usme it should have good mechanical strength to withstand variation when used in electrical machine. Or it should have high flash point. This is the thermal property. Then chemical property, third one. केमिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है. द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी रेजिस्टेंट टू ऑयल, गैस फ्यूम, एसिड एंड अल्कलाइज. इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक. इन थर्मल केमिकल प्रॉपर्टी इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक. मीन्स should not absorb water. As water rapidly decreases, increase resistance and breakdown strength. Hygroscopic means what? It should not absorb the water. Okay. Next property, it should not react with air, chemicals, that is, it should be chemically stable. And it should not deteriorate by action of chemicals in soils or in contact with other metal. This is the chemical property.
एंड लास्ट वन इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए इट शुड हैव हाई थर्मल, सॉरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में थर्मल थर्मल प्रॉपर्टी का मैकेनिकल में इट शुड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। थर्मल में क्या होता है, इट हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बट मैकेनिकल में इट शुड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड वेरिएशन व्हेन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इंसुलेटिंग मटेरियल, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर राइज, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इट शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक विल कवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।